हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चार सूत्री मांगों को लेकर ग्राम पंचायत सहायकों का धरना सोमवार को सातवें दिन भी जारी रहा। ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा नियमितीकरण एक विभाग करने तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोर्ट द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय देने की मांग को लेकर धरना जारी है। संघ के पूर्व अध्यक्ष पेमाराम सारण ने बताया कि सरकार आने चुनावी घोषणा पत्र में पंचायत सहायकों को नियमित करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि सरकार वादों को भूलकर ग्राम पंचायत सहायकों का शोषण कर रही है। सारण ने कहा कि यदि समय रहते सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो चुनाव में परिणाम भुगतने को तैयार रहे। पंचायत सहायक जिलाध्यक्ष हुक्माराम जाखड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत सहायकों की जायज मांगों पर जल्द विचार करने नहीं हो पाया तो ग्राम पंचायत सहायक प्रदर्शन की तीव्र करते हुए प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।